your attention, please. It's time for the final countdown. Starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मदरसे राशमी ऑलराउंडर चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमने ये स्कूल वॉल पेंटिंग ड्राइंग कर दी है और हम आपको अपनी वीडियो में ड्राइंग से लेके आखिरी पेंटिंग स्टेप तक सिखाएंगे और दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप देखें, ये अब मैंने अभी वाइट कलर इसके ऊपर अस्तर के तौर पर लगाया है। इसके बाद इसके ऊपर मैं कलर चढ़ाऊँगा और उसके बाद जितने भी कलर चढ़ेंगे और फाइनल तलक आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी वो मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वाइट कलर मारने का मकसद ये है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट कलर क्यों नहीं करे इन्होंने, तो असल मकसद ये है कि जो ज़मीन है वो सुरमई कलर की है, जिसके ऊपर कलर अगर मैं डायरेक्ट मारता तो कभी भी नहीं आते तो मज़ा नहीं करते। दोस्तों, अगर आप ये काम समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक वॉच करें, कहीं से भी वीडियो को मिस ना करें। मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप काम दिखाता रहूँगा। मेरे भाइयों, ये पेंटिंग मैं ऑयल पेंट की बना रहा हूँ। इसमें कोरोनेट, डायमंड, गोबिक्स और ब्राइटो कलर शामिल है और ये बहुत मज़बूत रहेगा और चाहे ये बारिश में या सरफ से धोएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये बहुत लंबे अरसे तक चलेगी, ये पेंटिंग नहीं मिटेगी। ये सारा काम परगज़े ब्रश से होएगा जो ऑयल पेंट में चलता है। किसी भी भाई को पेंटिंग का काम या राइटिंग का काम और 3D वगैरह का काम अगर करवाना हो तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उनको वो हर तरह का काम मैं उनको करके दूंगा। जो सीखने वाले हजरात हैं वो परगज़ा पकड़ने का स्टाइल और परगज़ा चलाने का स्टाइल गौर करें कि किस तरह से परगज़ा चला रहे हैं। स्कूल में इस पेंटिंग का मकसद ये है कि जरासीम से महफूज रहें और हाथ को धोते रहें। ये जरासीम की एक शक्ल तैयार हो रही है कोरोना स्टाइल में, जो वायरस वगैरह से महफूज रहने के लिए हाथ को धोते रहें। ये मैसेज उन बच्चों के लिए है जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कार्टून वगैरह जिस तरह से स्कूल में वॉल पेंटिंग करवाते हैं तो इसी लिहाज से ये कार्टून पेंटिंग करवाई गई है। मैं आप लोगों से एक मरतबा फिर गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल मुदस्सिर हाशमी ऑलराउंडर को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस करें। उससे आपको मेरी अगली आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से डरे नहीं, उसमें आपके कोई पैसे खर्चे नहीं होंगे, बस ये है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और आप लोगों को हमारी जितनी भी वीडियो हैं आने वाली न्यू से न्यू, वो आपको सिर्फ उसका जो है नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर आ जाएगा। अब वो आपकी मर्ज़ी होगी कि आप देखना चाहते हैं तो आप फौरन देख सकते हैं कि हाँ भाई, इनकी एक नई वीडियो और आ गई है।
ये देखें दोस्तों, ये 2D कार्टून बबल्स बना रहा हूँ। आप देखें, अभी तो वाइट कलर से कर रहा हूँ, अभी इसके ऊपर जब कलर से मिक्सिंग वगैरह करूँगा तो ये आपको अच्छे लगेंगे। और आने वाली जब मैं और नई वीडियो बनाऊँगा तो इंशाल्लाह ताला आपको 3D बबल्स भी बनाना सिखाऊँगा, तो वो किस तरह से बनते हैं, किस तरह से उनमें भी मिक्सिंग की जाती है। बहुत सारे लोग स्प्रे से बना के दिखाते हैं, मैं आपको ब्रश से बना के दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास स्प्रे या कंप्रेसर अवेलेबल तो नहीं होते, लेकिन ब्रश आसानी से हर बंदा ले सकता है, तो मैं आपको ब्रश से बनाना सिखाऊंगा। और आप देखना कि ब्रश से कितने बेहतरीन किस्म के 3D बबल्स बनते हैं। दोस्तों, वीडियो को कहीं से भी मिस मत कीजिएगा, अभी बहुत सारे स्टेप बाकी हैं। मैंने ये वीडियो बहुत शॉर्ट कर करके बनाई है, अगर मैं मुकम्मल वीडियो बना देता तो वीडियो एक फिल्म की सूरत इख्तियार ले लेती है, लेकिन मैंने शॉर्ट करके बनाई है। तो ये 20-22 मिनट की जो वीडियो है, यह आप देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अब ये वाइट कलर का काम मुकम्मल हो गया है और मैंने ब्लैक कलर से राइटिंग कर दी है। अच्छा, इस राइटिंग के लिए पार्टी की डिमांड थी कि ये राइटिंग इसी स्टाइल में लिखनी है, नहीं तो हम अपने स्टाइल में लिखते हैं तो राइटिंग और भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती, लेकिन पार्टी की डिमांड थी कि राइटिंग ऐसी लिखी हुई नज़र आए जैसे बच्चों ने लिखा हो, तो इसीलिए ये इस तरह की हमने राइटिंग की है। देखें दोस्तों, अब हमने इसके ऊपर कलर चढ़ाना शुरू कर दिया है, आप देखते रहें। और अभी मैं आपको बड़े वाले कार्टून के ऊपर येलो कलर मारकर दिखाऊंगा। वीडियो को मिस मत कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, ये जो मैं अब येलो कलर मार रहा हूँ, ये 20 नंबर के परगजे से मार रहा हूँ। आप लोग देखें और गौर करें कि परगजा मैं किस स्टाइल से पकड़ा हुआ हूँ और चला रहा हूँ।
देखें दोस्तों, ये मैं आपको कार्टून 2D बबल्स बना के दिखा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने ये स्काई ब्लू और मिड ब्लू, ये दो कलर इस्तेमाल किए हैं। ये बिल्कुल स्काई ब्लू से भी ज़रा लाइट ही है और दूसरा मिड ब्लू है। पहले मैंने ये स्काई ब्लू आपको लगा के दिखा रहा हूँ, आप देखें। सबसे पहले मैं आपको स्काई ब्लू लगा के दिखा रहा हूँ और इसके बाद मैं इसके ऊपर मिड ब्लू लगाऊंगा। आप लोगों ने सिर्फ वाच करना है कि कलर किस जगह पे और किस लगा रहा हूँ। तो इन दोनों कलर लगाने के बाद वाटर कलर की जो कलम है उससे मैं आपको मिक्सिंग करके दिखाऊंगा, तो ये 2D कार्टून बबल तैयार हो जाएगा। दोस्तों, एक बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि जो भी मिक्सिंग वाला काम है उसके अंदर हाथ ज़रा स्पीड से चलता है, क्योंकि अगर हमने हाथ स्लो चलाया और कलर सूख गया तो मिक्सिंग होना बहुत मुश्किल हो जाएगी। कलर वगैरह के बाद इसमें आउटलाइनिंग का काम ले जाएगा, वो भी आप लोग लाजमी देखिएगा, वो भी मैं आपको मार के दिखाऊंगा। आउटलाइनिंग में आपको 12 नंबर की कलम से मार के दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को मिस मत करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये वाटर कलर की कलम है जिससे मैं आपको ये मिक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। आप देखें कि दोनों कलरों को किस तरह से आपस में मिक्सिंग करना है। देखें दोस्तों, और करें, ये कार्टून 3D बबल्स हैं, इसमें 19-20 चल जाता है। लेकिन जो 3D बबल्स बनाना सिखाऊंगा मैं आपको आने वाली वीडियो में, तो उसके अंदर आप लोगों को मेहनत की ज़रूरत होगी। लेकिन कोई काम इतना मुश्किल नहीं होता है, इंसान खुद अपने लिए मुश्किल बना। जिन भाइयों को पेंटिंग का काम का शौक़ है उनके लिए कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारा काम जो है शौक से ही इंसान सीखता है। दोस्तों, इसमें कलर का काम काफ़ी हद तक हो चुका है। अभी इसके अंदर आंखें और इसका जो नेकर है कार्टून का, ये और मुकम्मल काम के ऊपर आउटलाइनिंग का काम रह चुका है। दोस्तों, इस पूरे काम के अंदर आउटलाइनिंग एक अहम किरदार अदा करती है। आप अभी सादा कलर देख रहे हैं, जब आउटलाइनिंग के बाद देखेंगे तो ये एक तस्वीर एक स्टिकर की शक्ल इख्तियार ले लेगी और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। तो आपको मैं आउटलाइनिंग भी मार के दिखाऊंगा।
चलें दोस्तों, अब आपको आउटलाइनिंग भी मार के दिखाते हैं। देखें दोस्तों, मैं आपको ये 2D कार्टून बबल्स के ऊपर आउटलाइनिंग मार के दिखा रहा हूँ। इसके बाद एक दो तस्वीरों पे और मार के दिखाऊंगा। देखें दोस्तों, ये 12 नंबर की कलम है। कलम को बारीक करके आगे से नोक को उसके बिल्कुल प्रेस करके और फिर हमने आउटलाइनिंग मारनी है। आउटलाइनिंग ज़रा बारीक लगती है तस्वीर के हिसाब से, यानी जितनी जैसी तस्वीर है जितनी बड़ी उसके हिसाब से ही आउटलाइनिंग। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, किस तरह की लगी, और आगे हमें मज़ीद कमेंट करें कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए। दोस्तों, अब ये स्कूल वॉल पेंटिंग मुकम्मल हो चुकी है और ये अब आप लोग देखें कि फाइनल आउटलाइनिंग के बाद किस तरह की लग रही है। वैसे तो ये बहुत अच्छी लग रही है और ये स्कूल भी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को हमारी पेंटिंग पसंद आएगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।